डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेरा गाजी खान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने नई हुकूमत पाकिस्तान से अपने मुतालबात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनाकिद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन डेरा गाजी खान के चेयरमैन अवैस लगारी ने नई हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि हमने पिछली हुकूमत में स्याह दौर देखा है, अगर इस हुकूमत में हमारे मसाइल हल ना किए गए तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन अपना एहतजाज और मुजाहरे का हक रखती है। इनका कहना था कि अस्पताल में पेशेंट रेशो बहुत ज्यादा है जबकि डॉक्टर की तादाद बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अपने मनमानियों से बाज नहीं आ रही। कभी हमारे डॉक्टर की ड्यूटियां रमजान बाजार में लगाई जा रही हैं, हालांकि रमजान बाजार में फर्स्ट एड देने के लिए अमला पहले से ही मौजूद है। इसके साथ साथ इनका कहना था कि फौरन अस्पताल के लिए डॉक्टर भर्ती किए जाए ताकि अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों के मुनासिब ट्रीटमेंट किए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यंग डॉक्टर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना था कि हर जिले में टीचिंग अस्पताल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मौजूद होता है, लेकिन डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को ही टीचिंग अस्पताल बनाया गया है जिससे मरीजों को मुनासिब ट्रीटमेंट देना तकरीबन नामुमकिन है। इनका मजीद कहना था कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने अस्पताल कम्युनिटी और शहरियों में तनाव का माहौल था जिसको यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने काफी हद तक बेहतर किया है। इसके साथ साथ इनका कहना था कि काफी अर्सा से डॉक्टर्स की एडहॉक रेन्यूवल रुके हुए हैं, इनको रेवेन्यू ना किया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे।